अस्सलामुअलैकुम। क्लासिकल मैकेनिक्स हमने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। हमने क्लासिकल मैकेनिक्स का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, तो पहले टॉपिक हमारे हो चुके हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, मैकेनिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल ईटीसी एंड कॉन्स्टेंट वगैरह। तो आगे हम कुछ कॉन्सेप्ट को देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने आगे लैग्रेंज इक्वेशन को डिराइव करना है। उससे पहले हमने डी एलम्बर प्रिंसिपल पढ़ना, तो डी एलम्बर्स प्रिंसिपल को पढ़ने से पहले कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो हमें उनके बारे में इलम होना चाहिए। तो आइए इस वीडियो में हम उनको डिस्कस करते हैं। हमें सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम का पता होना चाहिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? ये द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स। ये क्या होती है? इंडिपेंडेंट। लाइक एक ये पार्टिकल है, ये एक्स वाई जी में मूव कर रहा है। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होनी है एक पार्टिकल की? 3 हो जानी है। तो अगर हम एन पार्टिकल बोलेंगे तो कितनी हो जानी है? ये 3n हो जानी है। एन पार्टिकल्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 3n। एक पार्टिकल की फ्रीडम कितनी होती है? 3 होती है। दो पार्टिकल की कितनी होती है? 6 होती है। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है। या फिर आप इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स विच आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए पार्टिकल या सिस्टम ऑफ पार्टिकल, दिस इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेट अस सपोज हमने आगे जनरल कोऑर्डिनेट्स, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स को डिस्कस करना है, तो फिर हम वो भी देखते हैं। तो जनरल कोऑर्डिनेट्स को डिस्कस करने से पहले आपको कोऑर्डिनेट्स के बारे में पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स एक सेट ऑफ वैल्यू होता है। कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? सेट ऑफ वैल्यू। क्या होता है? सेट ऑफ वैल्यू होता है जो एग्जैक्ट पोजीशन शो कर रहा होता है किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी की, जो हमें बता रहा होता है। लाइक 3 2 कर लें, तो ये क्या हो गया? एक्स वाई। तो ये एक सेट है ना जो हमें एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ पार्टिकल बता रहा है कि हमने एक्स कितना मूव करना है। एक्स हमने 3 मूव किया, वाई हमने 2 गए, तो ये हमारा पार्टिकल इधर पड़ा हुआ है। तो ये एग्जैक्ट पोजीशन बता रहा है सेट। तो कोऑर्डिनेट्स के कोई डेफिनेशन पूछ ले तो, इस सेट ऑफ वैल्यूज दैट शोज एन एग्जैक्ट पोजीशन, दिस इज दी डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो जनरल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? जनरल कोऑर्डिनेट्स का मतलब है मिनिमम, मिनिमम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स वेरिएबल जो हम यूज करते हैं मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो ये होते हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट, द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जनरल कोऑर्डिनेट्स, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं, इनको हम क्यू से, इस क्यू से हम इसे डिनोट करते हैं, इस क्यू से हमें डिनोट करते हैं। और अगर इसकी इक्वेशन लिखनी जाए तो कैसे फाइंड करते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट? हमारे पास लाइक 2 पार्टिकल्स हैं। कितने पार्टिकल्स हैं? फर्ज कर लें एक पार्टिकल, 2 पार्टिकल, 3 इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 इसकी कितनी होगी? 6 हो गए। अगर हम इन्हें बाउंड कर दें, इधर से बाउंड कर दें, तो एक हमने लिमिट ऐड कर दी, एक फैक्टर ऐड कर दी, एक लिमिटेशन लगा दी, तो -1 कितनी हो गई? 5। दिस इज दी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। तो अगर हम इसे जनरल लिखना पड़ेगा तो एन पार्टिकल्स के लिए कितनी हो जानी है डिग्री ऑफ फ्रीडम? 3n हो जानी है, माइनस के जो हम फैक्टर लिमिटेशन लगा रहे हैं, कॉन्स्टेंट लगा रहे हैं। आप कह लें कि हम जो कॉन्स्टेंट ऐड कर रहे हैं इस मोशन पे, जो इस मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, तो ये होते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं? 3n माइनस के, दिस इज इक्वेशन। आप इस इक्वेशन की मदद से फाइंड कर सकते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। तो सिग्निफिकेंस, इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि क्यों हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं। हम तो कोऑर्डिनेट्स भी यूज कर रहे हैं ना, तो इस कॉन्सेप्ट की हमें क्यों जरूरत है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि ये हमें मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स दे देता है जो कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए जरूरत होती है। किसी भी पार्टिकल हो गया, सिस्टम हो गया, कुछ भी हो गया, इसको डिस्क्राइब करने के लिए, इसकी पोजिशन बताने के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है।
अगर वो कोऑर्डिनेट्स मिनिमम हो जाए, कम हो जाए, तो ये एक बेनिफिट है, ये एक बेनिफिट है कि जितने कम होंगे उतनी आसानी हो जानी है उसे फाइंड करने के लिए। एग्जांपल देते हैं, इधर पार्टिकल है तो हम इसे एक्स वाई जी, हमें इसे डिस्क्राइब करना है, इसकी पोजीशन बतानी है। तो कैसे बताएंगे हम? सबसे पहले हम चलेंगे, इधर से चलते हैं, चलो देखें, ये चले हम, ये चले, ये चले, ऐसे ही होता है ना। तो ये हम इसकी मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, एग्जैक्ट पोजीशन बताते हैं। तो ये अगर मिनिमम हो जाए, एक्स वाई हो जाए, सिंपल लिमिटेशन लगा दें जी, जेड का कोई लेन देन नहीं है, जेड में उसने मूव नहीं करना, एक्स वाई में है, तो फिर तो हमें सिर्फ एक्स चलना है, वाई चलना है, एक रिड्यूस हो गया ना। तो ये कॉन्सेप्ट एक इम्पोर्टेंट इसलिए यूज़ किया जाता है, ये हमें मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स दे देता है जो हम यूज़ कर लेते हैं किसी भी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो दूसरा इसका बहुत बड़ा मेजर हमें बेनिफिट क्या है कि हम इसका यूज़ लिंगरेज इक्वेशन, जो लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन है, इससे डिराइव, सिंपलीफाई, जो भी बोल रहे हैं उसमें हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आगे हम देखते हैं जनरलाइज क्वाड बार के हमने बारे में क्या डिस्कस करना है। आगे बोला जाता है कि ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है हैंडलिंग दी कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स को हैंडल करने में ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। ठीक हो गया। अगर इसका और बेनिफिट देखा जाए, इंपॉर्टेंस देखी जाए, एडवांटेज की बात कर लें, तो ये आइडेंटिफाई एंड यूटिलाइज कॉन्स्टेंट्स लॉग पी इस्तेमाल होते हैं, तो ये इसकी सिग्निफिकेंसी। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह क्या होती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम वर्चुअल वर्क का एक प्रिंसिपल है उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डी एलम्बर्स प्रिंसिपल की तरफ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।